हम सब पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं। हाँ, इसके अनुसार चलते हैं। लेकिन ये महान ग्रंथ हमें कैसे मिला, किसने लिखा, कब आया, इसके बारे में लोग काफी कुछ पूछते हैं और बार बार हमें अपने आप को ये याद दिलाना अच्छा है कि ये महान ग्रंथ कैसे हमारे पास आया। इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे गैर मसीही लोग दावा करते हैं कि अंग्रेजों ने ये किताब हमको दी, अंग्रेजों की लिखी हुई किताब है। दुर्भाग्य से बहुत सारे मसीही लोग भी ये सोचते हैं कि शायद इस पुस्तक की रचना किसी अंग्रेज ने की है और इस तरह से अंग्रेज ने करके हमारी भाषा में दिया है। जी नहीं, पवित्र बाइबल की रचना स्वयं परमेश्वर ने की और इस रचना को करने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों का उपयोग किया। और इसलिए किस तरह से इसकी रचना हुई और हमारे पास आई, ये जानना जरूरी है। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न, कई लोग ये पूछते हैं, बाइबल ही क्यों? दुनिया में बहुत सारे महान ग्रंथ हैं, उनमें बाइबल शायद एक ग्रंथ है, क्यों बाइबल को इतना महत्व दिया जाए? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हर मसीही को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। ये सच है कि दुनिया में बहुत सारे महान ग्रंथ हैं और ये भी बिल्कुल सच है कि इन महान ग्रंथों को पढ़ने के द्वारा हमको जीवन में बहुत अधिक उत्साह और प्रोत्साहन मिलता है। एक उदाहरण कहा जाए तो आजकल वो पुस्तक हिंदी में आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जॉन बेनियन नाम के एक लेखक के द्वारा लिखी गई किताब यात्रा स्वप्नोदय, अंग्रेजी में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, मैं जब छठी में पढ़ता था, पांचवी या छठी में, किसी ने उस किताब की एक कॉपी मुझे दी और मेरा अनुमान है कि नवी तक आते आते मैंने उस किताब को कम से कम 50 बार पढ़ा होगा। वो इतना उस पुस्तक से पढ़ने वाले को इतना प्रोत्साहन मिलता है। बाद में जब मैं कॉलेज लेवल पर आया तो प्रभु ने और भी मुझे कई किताबें दिखाई जिनके द्वारा मुझे बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है। यदि आप पूछें कि लेटेस्ट वह पुस्तक जिससे आपको प्रोत्साहन मिला है, तो प्रिय भाइयों और बहनों, पुस्तकों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ और ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनसे मुझे बहुत अधिक प्रोत्साहन इन दिनों मिला है। तो ये सच बात है कि दुनिया में अच्छी किताबें और किताबों में अच्छे विषय बहुत सारे मिल जाते हैं। तो सवाल यह है कि फिर यदि ऐसा है तो पवित्र बाइबल की क्या विशेषता है? इसका उत्तर हमको पवित्र बाइबल में मिल जाता है। पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित शुभ संदेश के 6:68 में, यूहन्ना 6:68, यहां लिखा है, शमौन पत्रस ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? शाश्वत जीवन की बातें तो सिर्फ आपके पास है। तो अन्य पुस्तकों से हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, उन पुस्तकों को कभी नजरअंदाज नहीं करना है और हमारे जीवन में आवश्यकता के अनुसार इन अन्य पुस्तकों का उपयोग जरूर करना है। लेकिन प्रभु का वचन एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा हमको शाश्वत जीवन की बातें मिलती हैं। ये बात हम हमेशा याद रखें। बाइबल को हमारे जीवन में इतना महत्व देने की जरूरत इसीलिए है कि हम में से हर व्यक्ति को शाश्वत जीवन की जरूरत है और शाश्वत जीवन की बातें प्रभु के पास है या प्रभु के वचन में है। पत्रस ने जो कहा वो उसको यदि हिंदी में उसको सही रीति से उसका अनुवाद किया जाए तो ये होगा कि अनंत या शाश्वत जीवन की बातें सिर्फ आपके पास है। प्रभु यीशु का वचन है बाइबल
और इसलिए शाश्वत जीवन की बातें सिर्फ बाइबल में है। सवाल यह है कि शाश्वत जीवन की बातों को जानने से क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात, हम में से हर व्यक्ति जिसने भी संसार में जन्म लिया है, हम जानते हैं कि हम पापी हैं। रोमियों की पत्री 3:23 याद दिलाता है कि सब ने पाप किया है और प्रभु की महिमा से वंचित है। यदि हमको उस पाप से मुक्ति मिलनी है तो रोमियों 6:23 हमको बताता है पाप की सजा है मृत्यु, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा हमको मिलता है शाश्वत जीवन। तो शाश्वत जीवन प्रभु के वचन से या वचन के द्वारा जब हमको मिलता है, जब हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसके द्वारा हम मृत्यु से हटकर जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। हमें इस बात का निश्चय हो जाता है कि जब भी हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, तब हम सनातन प्रभु यीशु के साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे। लेकिन प्रभु के वचन का महत्व हमारे जीवन में यहाँ समाप्त नहीं हो जाता है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में क्या क्या करता है, इसके बारे में प्रभु के वचन में ही काफी सारे डिटेल्स मिलते हैं, जिनमें से मैं सिर्फ दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहला, यूहन्ना के शुभ संदेश 17वें अध्याय के 17वें पद में हमें मिलता है। यूहन्ना 17:17, वहां हम पढ़ते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कीजिए। हम जानते हैं दुनिया में हमारा ये जीवन कितना अपवित्र है। आप कहेंगे शास्त्री सर मजाक कर रहे हैं क्या, हम तो अच्छे से अच्छा जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे जीवन अपवित्र है। मैं अक्सर एक उदाहरण बताया करता हूं। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति एक ऐसे बल्ब का आविष्कार कर देता है जो यदि आपके सर पे फिट कर दिया जाए और जब भी आपके मन में कोई गलत बात आती है तो बल्ब ऑन हो जाए। आप में से कितने लोग हैं जो अपने सर पे फिट करना चाहेंगे? भाई मैं तो नहीं चाहूंगा। क्यों? मेरे सर पे बल्ब फिट कर दिया जाए तो उसमें इतनी बिजली उत्पन्न होगी कि हमें फिर बाहर से बिजली लेने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मेरे मन में सिर्फ पवित्र विचार, अच्छे विचार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु को प्रसन्न करने वाले विचार आते हैं। इसलिए हम में से हर व्यक्ति को पवित्र होने की जरूरत है और प्रभु का वचन याद दिलाता है कि सत्य के द्वारा ही हम पवित्र हो सकते हैं। ये सत्य कहाँ से आएगा? आगे लिखा है, यूहन्ना 17:17 में आगे लिखा है, आपका वचन सत्य है। मतलब हमारे जीवन में बाइबल का महत्व इसलिए भी है कि प्रभु का जो सत्य वचन है या बाइबल है, उसके द्वारा हम अपने जीवन में पवित्र होते हैं। जब प्रभु की संतान, एक नया जीवन पाया हुआ मसीही भाई या बहन, जब नियमित रूप से प्रभु के वचन का अध्ययन करता है, मनन करता है, पठन करता है, तो वो वचन उसके दिल को शुद्ध और पवित्र करता है। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों में कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज होता है और वो हमारे शरीर में मन को छेद देता है, काट नहीं देता है, छेद देता है। इसका मतलब क्या है? मेरे और आपके मन में जो कुछ विचार गुजरते हैं, उनमें से हर विचार को जांच कर, परख कर, जो बुरे विचार हैं उनको अच्छे विचारों से अलग करता है। जब एक मसीही अपने जीवन में प्रभु के वचन को नियमित रूप से मनन और पठन करता है, तो उसका कॉन्शियंस, उसका विवेक और स्ट्रांग होता चला जाता है, जिससे इवन छोटी से छोटी कोई गलत बात यदि उससे हो जाए तो उसका विवेक या कॉन्शियंस उसको याद दिलाता है कि पुत्र, तुम तो प्रभु यीशु की संतान हो, तुम्हारे जीवन में ये नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से प्रभु का वचन हमको पवित्र करता है और हम में से हर व्यक्ति निश्चित रूप से पवित्र जीवन बिताना चाहता है और हम में से हर व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हम अपने आप में पवित्र नहीं है, हमें
हमारे जीवन में जो कुछ भी मलिनता है वहां से पवित्रता की तरफ आगे बढ़ना है। प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन में अगली जो बात होती है उसे हम भजन संहिता 119 और उसके 105 में देखते हैं। भजन संहिता 119 105 तेरा वचन, हे प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम में से हर व्यक्ति इस बात को जानता है, जब हम इस संसार में रहते हैं बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमको प्रकाश चाहिए, दिशा चाहिए, क्या करना है। एक छोटी सी बात ले लीजिए, जितने लोग आज प्रभु के संदेश को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं इनमें से जो लोग नौकरी करते हैं, मुझे लगता है कि जब से क्लोज डाउन चालू हुआ है तब से शायद एक भी व्यक्ति दफ्तर में नहीं गया है। कुछ लोग घर बैठ के काम करते हैं लेकिन घर बैठ के पूरा काम हो नहीं पाता है। जितने विद्यार्थी हैं मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो स्कूल गया हो। मेरे बारे में ले लीजिए, ये क्लोज डाउन होने से पहले हफ्ते में 5 दिन अलग अलग सेवा शुश्रूषा करता था। यहां से 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाकर प्रभु का वचन सुनाता था। सब बंद हो गया। अब मेरे जीवन में प्रश्न यह है कि हे प्रभु मुझे रोशनी दिखाइए, मैं क्या करूं, किस दिशा में जाऊं। एक मसीही व्यक्ति के लिए हाथ पर हाथ रखकर बैठना एक बहुत बड़ा पाप है। इन दिनों आपने कभी सोचा क्या, यदि आपको छुट्टी मिल गई है, सब बंद हो गया है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। बहुत बड़ा पाप है। तो सवाल यह है कि हाथ ये इन दिनों हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, क्या करें, कैसा करें। उसका जवाब है कि जिस तरह से अंधेरे में अगला कदम किस दिशा में रखना है, ये उस जमाने में जब भजन लिखा गया था 3000 साल पहले तब दीपक के द्वारा, आज के दिन लाइट के द्वारा हमको पता चलता है कि अगला स्टेप कहाँ है। प्रभु का वचन जीवन के हर मौके पर हमको दिशा देता है। इसलिए कहा गया है कि आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आजकल हम में से बहुत सारे लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां स्ट्रीट लाइट है, इसलिए हम कभी नहीं जानते कि स्ट्रीट लाइट का महत्व क्या है। आपको मालूम है क्या, आज से 120 साल पहले, मतलब मनुष्य इस संसार में 6000 साल से है, लेकिन ये जो 6000 साल मनुष्य इस पृथ्वी पर रहा है उसमें 5900 साल स्ट्रीट लाइट जैसी कोई चीज नहीं थी। रात को आप सड़क पे निकले अंधेरा ही अंधेरा है, जाते में पता नहीं किसके ऊपर पैर रख दे। मैं इस समय जिस इलाके में हूं ये गांव सांपों के लिए जाना जाता है। कितने सारे मेरे पड़ोसियों के साथ ऐसा हुआ है, आज से सालों पहले जब यहां स्ट्रीट लाइट नहीं थी, रात को जा रहे थे, टॉर्च लेना भूल गए, सांप के ऊपर पैर पड़ गया, तुरंत सांप ने डस लिया, और वो भी इस इलाके में तो बहुत ही जहरीले सांप होते हैं। मेरे आपके आप तो इसलिए मार्ग के लिए उजियाला जो प्रभु का वचन कहता है, तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि मार्ग के लिए उजियाला जिस समय ये भजन लिखा गया था उस समय और भी ज्यादा जरूरी था। आत्मिक जीवन के बारे में कहा जाए तो हम में से हर व्यक्ति इस संसार के अंधकार में जी रहा है। इस संसार के अंधकार में जब हम जीते हैं तो हमारी बुद्धि हमको रास्ता नहीं बताती है। यदि बुद्धि से मनुष्य को रास्ता मिल जाता तो प्रभु यीशु को संसार में आने की जरूरत नहीं थी। मनुष्य की बुद्धि से परे उद्धार का प्लान प्रभु को बनाना पड़ा और उसके द्वारा हमको उद्धार मिला है। तो प्रिय भाइयों, प्रभु का वचन न केवल हमको शाश्वत जीवन देता है, प्रभु का वचन हमको पवित्र करता है और प्रभु का वचन हमारे पांव के लिए
दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इस कारण पहला पॉइंट प्रभु के वचन की तुलना इस दुनिया के किसी पुस्तक से नहीं की जा सकती है और कोई भी प्रभु का बच्चा भूल कर भी प्रभु के वचन की तुलना संसार के किसी भी पुस्तक से न करे, ये मेरा अनुरोध है। इस पृष्ठभूमि के बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं कि ये महान ग्रंथ कैसे लिखा गया। हम में से हर व्यक्ति जानते हैं कि लोगों को कई बार मन में इच्छा होती है कि फलाने विषय पर एक किताब लिखें, और उसके बाद जैसे ही उनको इंस्पिरेशन मिलता है बैठ के पढ़ाई करके उस विषय पे जो भी अनुसंधान कर सकते हैं उसके बाद वो किताब लिख देते हैं। प्रभु का वचन ऐसे नहीं लिखा गया, मनुष्य की बुद्धि से या मनुष्य के ज्ञान से नहीं लिखा गया। बाइबल के दूसरे पत्रस के पहले अध्याय की 21वें पद में इस पृष्ठभूमि दी है, दी गई है। पहला पत्रस 2:21, वहां लिखा हुआ है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसके अलावा प्रभु के वचन में इससे संबंधित और भी काफी सारे पद हैं, बल्कि मैं आज आपके सामने जो भी विषय पेश कर रहा हूं उनमें से हर विषय से संबंधित बहुत सारे पद हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ एक या दो पद आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। समय मिला तो बाकी पद भी मैं आपको जो आउटलाइन दे रहा हूं उसमें मैं लिस्ट कर दूंगा, लेकिन आज इतना पर्याप्त है कि प्रभु के वचन की कोई भी पुस्तक मनुष्य की इच्छा से नहीं लिखी गई। मनुष्य की इच्छा से ना तो उसका आरंभ हुआ, ना लिखा गया, ना अंत हुआ, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र आत्मा ने लोगों के मन में कार्य किए। उभारे जाकर का मतलब है जैसे एक विद्यार्थी है, कंपटीशन हो रहा है, उसकी क्लास टीचर उस विद्यार्थी का जो भी क्लास टीचर वो कहती है, अरे तुम भी जाओ आगे जाओ। वो कहता है, नहीं मैडम जी मैं नहीं कर पाऊंगा। कई बार टीचर कहते हैं कि अरे तू चला तो जा, मैं तेरी मदद के लिए यहां खड़ा हूं। मेरे जीवन में इस तरह से कई टीचर्स ने काम किए, इसलिए मैं जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं। कोई व्यक्ति किसी को प्रोत्साहित करता है, जाओ करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पवित्र आत्मा ने इस तरह से चुने हुए लोगों को उभारा कि पवित्र आत्मा उनको जो संदेश दे रहे हैं उस संदेश को लिखित रूप से हमको दें। तो पवित्र बाइबल लिखकर या लिखित रूप में हमारे हाथ में जो आया है उसके पीछे मर्म यह है कि पवित्र आत्मा ने पवित्र लोगों को उभारा, उन लोगों ने ये पुस्तकें लिखकर हमको दी। इस बात को भी याद रखें कि पवित्र बाइबल में जो 66 किताबें हैं, इन 66 पुस्तकों के अलावा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अन्य किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई है। बहुत सारे मसीही लोगों ने बहुत ही विश्वासियों को प्रोत्साहन देने वाले गजब के ग्रंथ लिखे हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से लिखे गए हैं, लेकिन बाइबल की 66 किताबें जिस तरह से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई थी ये पुस्तकें उस तरह से नहीं लिखी गई हैं। अच्छा, अब पवित्र बाइबल को जरा देखें। हम जानते हैं, हम में से हर व्यक्ति जानता है कि पवित्र बाइबल जब अपन खोलते हैं तब उसमें पुराना नियम और नया नियम दो भाग हैं। अपन अक्सर हिंदी में जो कहते हैं उसके हिसाब से कहा जाए तो बाइबल का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध पुराना नियम कहलाता है, उत्तरार्ध नया नियम कहलाता है। इसके पीछे कुछ कारण है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हैं या पुराने नियम और नया नियम मिलके कुल 66 पुस्तकें हैं, और इन 66 पुस्तकों को लगभग 40 लेखकों ने लिखा था। ये लेखक एक दूसरे को नहीं जानते थे। बाइबल की शुरू की 5 पुस्तकें जिसने लिखी
उस महान लेखक के लगभग 1500 साल के बाद आखिरी पुस्तक लिखी गई। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति 1500 साल तक जिंदा नहीं रहता है, तो इस कारण बाइबल को जिन 40 लेखकों ने लिखा, इन लोगों ने लगभग सभी, इनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन इन सबको पवित्र आत्मा ने उभारा जिससे कि वे प्रभु के वचन को लिखें। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब 66 पुस्तकों में जो एकत्व दिखता है वो इसलिए नहीं कि इन लोगों ने एक दूसरे के साथ प्लान करके आउटलाइन बना के लिखा, बल्कि इसलिए ये एकत्व हम देखते हैं, यूनिटी हम देखते हैं, क्योंकि इन 40 लोगों को एक ही व्यक्ति ने लिखने के लिए उभारा था। वो व्यक्ति है पवित्र आत्मा। किस भाषा में लिखा गया था? कई लोगों को अभी भी ये गलतफहमी है कि पवित्र बाइबल अंग्रेजी में लिखा गया था। मुझे कई बार लगता है कि अंग्रेजों का नाम या उससे कभी पिंड छूटेगा या नहीं। पवित्र बाइबल अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था, पुराना नियम यहूदियों की भाषा में लिखा गया था, जिसे हम इब्रानी भाषा कहते हैं या अंग्रेजी में हिब्रू बोलते हैं। पुराना नियम ग्रीक लोगों की भाषा में लिखा गया था, जिस भाषा को ग्रीक बोलते हैं, या हिंदी में कहा जाए तो यूनानी भाषा। पुराना नियम इब्रानी भाषा में, नया नियम यूनानी भाषा में। अगला प्रश्न यह है कि कैसे लिखा गया था। अपन लोग तो कुछ भी लिखना हो जम के पेपर यूज करते हैं। मैं एक लेखक हूं, मेरे कमरे में आए तो यहां तो खाली पेपर का आपको अंबार नजर आएगा, 5-10 हजार शीट। पन्ने तो हमेशा बगल में ही रखे रहते हैं। जो बच्चे इस संदेश को सुन रहे हैं उनके थैले में 10-15 कॉपियां तो जरूर होंगी, बल्कि उससे ज्यादा ही होंगी। इस कारण हमको शायद लगता है कि आज से हजारों साल पहले जब पवित्र बाइबल के पुस्तकों की रचना की गई थी उस समय पेपर पर लिखा होगा। जी नहीं, पेपर का आविष्कार प्रभु यीशु के समय के 200 साल बाद हुआ। ये बात मैं फिर से आपको याद दिला दूं, पेपर का आविष्कार प्रभु यीशु का जो समय है उसके भी 200 साल के बाद हुआ। आविष्कार होने के बावजूद हजारों साल तक पेपर हाथ से बनाया जाता था, इसलिए बहुत महंगा होता था और सुलभ नहीं था। तो सवाल यह है कि बाइबल की पुस्तकें यदि पेपर नहीं था, उपलब्ध नहीं था, तो कैसे लिखी गई? खासकर बाइबल की जो शुरू की पुस्तकें हैं, जैसे उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, इनकी रचना प्रभु यीशु के समय से 1450 साल पहले इनकी रचना हुई थी। यदि याद रखना हो तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु के काल से लगभग 1500 साल पहले इनकी रचना हुई। काहे पे लिखा होगा उन्होंने? यहूदी लोग जानवर पालते थे और इस कारण जानवरों का चमड़ा भारी मात्रा में उनके पास रहता था। हम जानते हैं अपने हिंदुस्तान में जानवर, दुधारी जानवर पाले जाते हैं, इस कारण चमड़ा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और हम इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे आगरा वगैरह में जाएं तो हर जगह चमड़े की फैक्ट्रियां हैं। और लोग यदि मान लीजिए अपने कार में, अपनी गाड़ी में आगरा से निकलते हैं तो सड़क के दोनों किनारे चप्पल जूतों की जो दुकानें हैं वहां पर रुक कर सस्ते में चप्पल जूते खरीद लेते हैं, इसलिए कि वहां चमड़े का व्यापार बहुत होता है, चमड़े का प्रोडक्शन बहुत होता है। इसराइली समाज की विशेषता ये थी कि उनके पास चमड़े का प्रोडक्शन बहुत होता था और बहुत पहले ही उन लोगों ने देख लिया था
कि कुछ प्रकार के चमड़े उसको अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करके तमाम तरह की रासायनिक वस्तुओं से होकर गुजार के यदि उनको धूप में सुखा दिया जाए और उस पर अच्छी तरह से चिकने पत्थर से घिसाई की जाए तो एकदम से पतला हो जाता है और एकदम से चिकना हो जाता है और एकदम से हम आजकल जो पेपर यूज करते हैं उसके समान प्लेन हो जाता है। तो इसराइली लोग क्या करते थे, यहूदी लोग, कि सबसे उम्दा किस्म के चमड़े को एकदम से इस तरह से रासायनिक प्रक्रिया वगैरह करके उसको काट कर उसकी पट्टियां बना लेते थे। आजकल तो स्कूलों में टाट पट्टी नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि यहाँ पर जो बैठे हैं इनमें से जितने माँ बाप है उन्होंने तो स्कूल में टाट पट्टी के दर्शन किए होंगे। हम तो जब ग्वालियर में पढ़ते थे, मध्य प्रदेश ग्वालियर में, जहाँ के भाई रणजीत हैं, तो वहां तो स्कूल में टाट पट्टियों पे ही बैठते थे। 2 फुट चौड़ाई रहती थी और 10 से 20 फुट लंबाई रहती थी। तो चमड़े से इस तरह की पट्टियां बना लेते थे जोड़ जोड़ कर और उस पर लिखते थे। आप कहेंगे कि अरे वो तो बहुत भारी होगा। जी हाँ, बहुत भारी होता था। और आप ये भी कहेंगे कि भाई कितना भी हो महंगा होता होगा। जी हाँ, महंगा होता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, इसलिए प्रभु का वचन इन्हीं चमड़े के पट्टियों पर लिखा जाता था, जिनको अपन हिंदी में चर्म पत्र बोलते हैं, चमड़े की पट्टियां। पुराने नियम की जो 39 पुस्तकें हैं, ये सारी पुस्तकें इस तरह से चर्म पत्रों पर लिखी गई। आप कहेंगे आहा हा, शास्त्री सर आप कह रहे होंगे कि नए नियम आते आते पेपर उपलब्ध हो गया होगा। जी नहीं, नए नियम के आते आते पेपर उपलब्ध नहीं हुआ, नया नियम भी इसी तरह से चमड़े की पट्टियों पर लिखा गया। लेकिन नए नियम के आते आते एक और चीज का आविष्कार हुआ। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पाइनएप्पल का पौधा देखा है, अनानास का पौधा पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। अनानास तो देखा है, उसके ऊपर जो पत्ते लगे रहते हैं, अनानास का जो पौधा है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 फुट लंबे इस तरह के पत्ते होते हैं। तो यूनानियों ने देखा कि उनके देश में एक विशेष प्रकार का पौधा है जिसके पत्ते ऐसे लंबे हैं। तो वो लोग क्या करते थे, इन पत्तों को लेकर जिस तरह से अपन कपड़ा बुनते हैं ताना बाना, इस तरह से बुनकर टाट पट्टी के समान काफी लंबी पट्टियां बना लेते थे। तो ये पट्टियां ये लोग बना लेते थे, उसके बाद इसको सुखाने के बाद इसको अच्छी तरह से चिकने पत्थर से रगड़ कर पेपर नुमा बना लेते थे। ये चमड़े से सस्ता पड़ता था। नए नियम के काल में इस तरह के पेपर बनने लगे, जिसको इस पौधे का नाम था पेपिरस। तो चमड़े के साथ साथ जब पेपिरस आ गया तो प्रभु की ऐसी दया हुई कि लिखने का सस्ता मटेरियल मिल गया और नए नियम की जो 27 पुस्तकें थी जम के कॉपी किया लोगों ने। और जहां जहां मसीही लोग गए वहां वहां वो लोग नया नियम अपने साथ ले गए और जब भी हो सका पुराने नियम की कॉपी ले गए। हिंदुस्तान भी आया। आपको मालूम है क्या, ईस्वी 50 में प्रभु यीशु के महान शिष्य संत थॉमस या संत थॉमा, जिसने कहा था कि अरे जिंदा हो या ना जिंदा हो, जब तक मैं ना देख लूं मैं यकीन नहीं करूंगा। मुझे तो बल्कि ये भी देखना है कि वो जो पंजर और हाथों में छेद जो है वो है, कंफर्म है, या और कोई आदमी है जो प्रभु की वेशभूषा में खड़ा हुआ है। वो महान संत मत्ती रचित सुसमाचार या मत्ती के द्वारा लिखा गया शुभ संदेश लेकर ईस्वी 50 में हिंदुस्तान पधारे थे। मैं जहां से ये आपको बाइबल क्लास दे रहा हूं, यहां से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर एक गहरी नदी है, जिसमें उस जमाने में, अब तो उसकी गहराई कम हो गई, भूकंप आया था उसके बाद गहराई कम हो गई है, उस नदी में उस जमाने में मध्य पूर्व से जहाज आया करते थे। मत्ती के द्वारा लिखित शुभ संदेश को लेकर प्रभु के महान शिष्य
हिंदुस्तान पधारे थे, इस तरह से हिंदुस्तान भी प्रभु का वचन पहुंच गया था आज से लगभग 2000 साल पहले। तो इस तरह से पहले चमड़े पे लिखा गया, इसके बाद पेपिरस पर लिखा गया, लेकिन अभी भी पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया परमेश्वर के वचन की एक पृष्ठभूमि। अब कुछ क्षणों के लिए पुराने नियम को देखते हैं। पुराने नियम में हम जानते हैं 39 पुस्तकें हैं। इन 39 पुस्तकों में शुरू की 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखी गई हैं। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, इनकी रचना मूसा ने की थी। प्रभु यीशु ने भी इस बात को याद दिलाया था कि मूसा ने इन ग्रंथों की रचना की है। इसके बाद यहोशू नामक ग्रंथ की रचना यहोशू ने की, न्यायियों नामक पुस्तक की रचना शमूएल ने की, यहोशू न्यायियों, उसके बाद पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, शमूएल ने रचना की, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास वगैरह की रचना कई भविष्यवक्ताओं ने मिलकर की, एज्रा, नहेम्या, एस्तर वगैरह की रचना एज्रा, नहेम्या आदि ने की, अय्यूब की रचना मूसा ने की, भजन संहिता कई लोगों के द्वारा लिखे गए भजन हैं, जो जिस तरह से अपने गाने की किताब है ये सारी किताबें कलेक्ट की गई, नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखा गया, सबोपदेशक की रचना सुलेमान ने की, श्रेष्ठ गीत की रचना सुलेमान ने की। इसके बाद जितने ग्रंथ आते हैं, श्रेष्ठ गीत, यशाया, यर्मिया, विलाप की, इसमें यशाया की रचना यशाया ने की, यर्मिया और विलाप गीत की रचना यर्मिया ने की। उसके बाद जितने ग्रंथ आते हैं, होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहुम, हबक्कूक, सपन्याह, हागे, जकरिया, मलाकी, उनमें जिन लेखकों के नाम है उन्हीं जो पुस्तकों के जो नाम है वो लेखकों के नाम पर है। इस तरह से 39 पुस्तकों के लिए प्रभु ने अलग अलग लोगों को रेस किया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, उत्पत्ति की रचना हुई 1450 ईस्वी के आसपास, मलाकी की रचना हुई 400 ईस्वी में, मतलब उत्पत्ति की रचना के 1050 साल के बाद मलाकी की रचना हुई, और उसका मतलब मलाकी ने मूसा के दर्शन कभी नहीं किए, बल्कि मलाकी की तो दाऊद से भी मुलाकात नहीं हुई, भजन में कई भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए, सुलेमान से भी उसकी मुलाकात नहीं हुई है। इस तरह से पुराने नियम की रचना बीसी 1450 से बीसी 400 ईस्वी पूर्व, 1450 से 400 ईस्वी तक पुराने नियम के पुस्तकों की रचना हुई। फिर क्या हुआ, 400 साल प्रभु ने कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा। आप पूछेंगे, शास्त्री सर इसके पीछे कोई कारण है क्या? जी हाँ, कारण है। 400 ईस्वी के आसपास प्रभु ने अपने बच्चों को कठोर से कठोर सजा दी। आप पूछेंगे, प्रभु अपने बच्चों को सजा देते हैं क्या? जी हाँ, यदि प्रभु के बच्चे प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को सजा देते हैं, उनसे नफरत या बैर के कारण नहीं, दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि जिससे कि बच्चे सही रास्ते पर आ जाएं, इस तरह से प्रभु अपने बच्चों को सजा देते हैं। इसराइली लोगों को प्रभु जो सजा देते हैं या देंगे, ये व्यवस्था विवरण में डिटेल में बताया था, उसमें लिखा हुआ है, तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, मैं फलानी सजा दूंगा, फिर भी नहीं सुधरे तो मैं फलानी सजा दूंगा। इस तरह से प्रभु ने व्यवस्था विवरण में 5 लेवल सजा दी है। पहले लेवल पे नहीं सुधरे, दूसरा लेवल, दूसरे पे नहीं सुधरे, तीसरा लेवल, तीसरे पे नहीं सुधरे, चौथा लेवल, चौथे लेवल की सजा, चौथे लेवल की सजा थी, तुम जो प्रभु के द्वारा चुने गए जन हो, जनता हो, तुम पर विदेशी राज्य करेंगे। इसके बाद तुम नहीं माने तो पांचवे लेवल की सजा। पांचवे लेवल की सजा क्या? मैं तुमको, चुने हुए लोगों को, मेरी प्रजा को अन्य जातियों की गुलामी में भेज दूंगा। 400 ईस्वी के आसपास जितने बचे हुए यहूदी थे,
सब के सब गुलामी में चले गए, और उसके साथ साथ प्रभु ने अपने भविष्य वक्ताओं को भेजना और अपना वचन लोगों को देना बंद कर दिया। 400 साल इस तरह से प्रभु के जनों को, प्रभु के बच्चों को प्रभु के द्वारा बिना वचन के रहना पड़ा। बस 29 पुस्तकें थी जो चमड़े के चर्म पर लिखी थी, जिसको कॉपी करना आसान नहीं था। इसके बाद प्रभु यीशु संसार में पधारे। 30 ईस्वी के आसपास प्रभु को सूली दी गई। सूली देने के 3 दिन और 3 रात बाद प्रभु पुनर्जीवित हो गए। 40 दिन लोगों को दर्शन दिया। उसके बाद देखते देखते स्वर्ग चले गए। जाने से पहले प्रभु ने कहा था, मैं वापस आऊंगा। जाने से पहले एक बात और कही थी, यरूशलेम में रहो, पवित्र आत्मा की शक्ति पाओगे, उसके बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई से सब कुछ करना। प्रभु के जाने के ठीक 10 दिन बाद स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, पिंतिकोस्त के दिन। पिंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। 50वें दिन प्रभु 40 दिन दिखाई दिए, उसके 10 दिन बाद 50 दिन हो गए। 50वें दिन पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, और उस दिन पत्रस ने खड़े होकर कहा, पुराने नियम में प्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी आज तुम लोगों के समक्ष पूरी हो गई है। ये सारी घटना हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, और ये घटना 30 के आसपास की है। पवित्र आत्मा के आगमन के और चर्च या कलीसिया मंडली के आरंभ के साथ साथ ये बात स्पष्ट हो गई कि प्रभु ने एक नया युग आरंभ किया है। इस नए युग के आरंभ में ही प्रभु ने अपने कई शिष्यों को, पवित्र आत्मा ने लोगों को प्रेरणा देना आरंभ किया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस तरह से नए नियम की 27 पुस्तकों की रचना हुई। पहली पुस्तक है मत्ती, जिसकी रचना ईस्वी 40 के आसपास हुई। ईस्वी 50 में उसकी कॉपी लेकर संत थॉमा भारत आए थे। मत्ती के बाद मरकुस ने, उसके बाद लूका ने, और उसके बाद यूहन्ना ने रचना की। लगभग यूहन्ना की रचना के आसपास ही लूका ने 5वें पुस्तक की रचना की। प्रेरितों के कामों का वर्णन जो है उसके लेखक लूका है, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर थे। उसके बाद तो फिर रोमियो, और हम आगे जानते हैं सारे जो ग्रंथ है, रोमियो से लेकर इब्रानियों तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संत पौलुस ने रचना की। याकूब की रचना प्रभु के भाई और महान लीडर याकूब ने की। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस की रचना पत्रस ने की। पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना की रचना यूहन्ना ने की। यहूदा की रचना यहूदा ने की, और प्रकाशित वाक्य की रचना यूहन्ना ने की। ये नए नियम की जो 27 पुस्तकें हैं, जिनमें से 26 पुस्तकों की रचना 70 ईस्वी से पहले हो गई। 70 के थोड़े समय के बाद बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तक की रचना हुई, जिसे हम प्रकाशित वाक्य के रूप में जानते हैं। नए नियम के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, पुराने नियम के बारे में भी। आइए क्षण भर के लिए पुराने नियम में वापस आए। पुराने नियम की शुरू की 5 पुस्तकें सृष्टि से लेकर यहूदियों के कनान में जाकर सेटल होने तक की घटना हमको बताती है। यहोशू से लेकर एस्तर तक की पुस्तकें अगले लगभग 1000 साल का इतिहास हमको देती हैं। 400 साल का इतिहास खाली है। नए नियम की पुस्तकों में शुरू की 4 पुस्तकें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना प्रभु की जीवनी है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा के आने के बाद प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की, और कलीसिया की स्थापना में शुरू शुरू में क्या परेशानियां हुई। इसके बाद 21 पत्रियां हैं। इनको पत्री क्यों कहते हैं? इसलिए कि जिन लोगों ने इन पुस्तकों की रचना की थी, उन लोगों ने इन पुस्तकों को लंबे लेटर्स के रूप में, पत्रों के रूप में इनकी रचना की थी।
जैसे रोमियो की पत्री की रचना रोम में जो लोग थे उनके पढ़ने के लिए की गई, लेकिन जैसे ही ये पत्रियां लोगों के हाथ में आई तो उस समय जो प्रेरित लोग थे, जो भविष्यवक्ता लोग थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया, अरे ये तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई पत्री है और इसलिए ये परमेश्वर का वचन है। 21 पत्रियों के बाद आता है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य भविष्य में आने वाले घटनाओं की तरफ संकेत करता है। प्रभु ने मदद की तो कभी ना कभी हम प्रकाशित वाक्य का विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि भविष्य में जो बातें होने जा रही हैं उनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। बाइबल के बारे में आखिर में दो पद मैं आपको सुनाना चाहता हूं। प्रभु का वचन याद दिलाता है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ ये जो महान ग्रंथ है, इसके साथ ना तो किसी चीज को जोड़ना है ना ही इसमें से किसी चीज को घटाना है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय के 2 पद में हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 4:2 में हम देखते हैं, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा है मैं तुम्हें सुनाता हूं उसे तुम मानना। प्रभु के वचन के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग मनमानी कभी नहीं करना है। अगला पद जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं वो सबसे आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य 22:18 में हम देखते हैं, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 22:18 में हम पढ़ते हैं, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। मतलब यदि प्रभु के वचन के साथ हम जोड़ जाड़ करेंगे तो प्रभु हमको नहीं छोड़ेंगे। इसका एक कारण है, कारण यह है प्रभु का वचन शाश्वत प्रभु का वचन है, नश्वर मनुष्य उसके मन में जो कुछ आता है वो प्रभु के सामने फटे हुए चिथड़ों के समान है। इनको हम प्रभु के वचन के साथ जोड़ने की कोशिश कदापि ना करें। क्लोजिंग में 2 बातें और बताऊं प्रिय भाई और बहनों, आज दुनिया की सारी प्रमुख भाषाओं में पवित्र बाइबल उपलब्ध है। यदि हम अपनी मातृभाषा में पवित्र बाइबल उपलब्ध होने के बावजूद उसको खरीद कर अपना बनाकर नियमित रूप से उसका पाठ नहीं करते हैं तो ये हमारे आत्मिक जीवन में सबसे बड़ी भूल है। प्रभु के अलावा, प्रभु के वचन के अलावा कोई भी पुस्तक हमको नया जीवन, पवित्र जीवन और जीवन में दिशा नहीं दे सकता है। आइए आज हम इस सभा के समाप्त होने से पहले अपने मन में ये प्रण कर ले कि हे प्रभु आपका वचन अद्वितीय है। आज एक बार और मैंने इस बात को जाना, माना, स्वीकार किया और इसलिए आज से एक बार और मैं आपको वचन देता हूं प्रभु कि आपका वचन मेरे जीवन में हमेशा जीवन में जो सबसे ऊंचा स्थान है वो ऊंचा स्थान पाएगा, ऊंचा स्थान दिया जाएगा, मैं हमेशा इसको ऊंचा स्थान देता रहूंगा। इन बातों को समझने के लिए और इन बातों के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप में से हर व्यक्ति की मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।